कल 23 जून 2023 को सुबह सुबह SBI APS के रिगार्डिंग जब ये अपडेट मिलती है कि आप सभी प्राइवेट पोर्टल से SBI ने निकासी शुरू कर दी है, तो कल की डेट में हमने भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखा था, जिस पर हमें ये पता ये चलता है कि हमारे सिस्टम से तो SBI की निकासी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से पहले सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा था, तो कल की डेट में भी हमारे सिस्टम पर सभी ग्राहकों का, जिन जिन ग्राहकों का हमने निकासी करने की कोशिश की थी, सभी पर हमारे पास सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर ही आया था। इस पर हमने कल की डेट में आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि अभी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अब लगभग 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैक्सिमम ग्राहकों के आज की डेट में ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। आप किसी भी कंपनी के APS संचालक हो सकते हैं, आपका किसी भी कंपनी का APS पोर्टल है। आज से अब आप SBI ग्राहक की निकासी आधार कार्ड के माध्यम से दिल खोल कर सकते हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी है SBI की तरफ से आप सभी APS संचालकों के लिए कि अब तक आपके लिए एक बड़ी टेंशन बनी हुई थी कि आप SBI की निकासी नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे APS संचालक SBI CSP के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन आज की अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, जो भी APS पोर्टल आप चला रहे हैं, चलाते रहिएगा। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SBI ने APS को अब चालू कर दिया है किसी भी पोर्टल पर। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से SBI की निकासी शुरू हो चुकी है। जिन ग्राहकों की हम आज से पहले निकासी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज से उन सभी ग्राहकों की निकासी स्टार्ट हो चुकी है। SBI ने अपनी सर्विस को अब शुरू कर दिया है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अभी हम एक ग्राहक का ट्रांजैक्शन करने वाले हैं आधार कार्ड के माध्यम से। देखते हैं कि हमारी इस आईडी से आज की डेट में कोई ट्रांजैक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिंगर यहां पर हम कस्टमर के कैप्चर कराने वाले हैं। फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि अभी ग्राहक के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट फंड लिखा हुआ आया था। अभी हम इंक्वायरी करके देखने वाले हैं कि इंक्वायरी करने पर बैलेंस शो करेगा कि नहीं करेगा। अभी थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा है, और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुल हो चुकी है। ग्राहक का बैलेंस दिखा दिया है सिस्टम ने, इससे पहले बिल्कुल भी ऐसी इंक्वायरी नहीं हो पा रही थी। बैलेंस इंक्वायरी के बाद तो चलिए अभी हम यहां पर एक 4000 रुपए का APS विड्रॉल करके देखते हैं। आई थिंक जब बैलेंस इंक्वायरी हो चुकी है तो कैश विड्रॉल भी हो जाना चाहिए, क्योंकि कल की डेट में कुछ लोगों के कैश विड्रॉल हुए थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 4000 रुपए का जो हमने कैश विड्रॉल करने की कोशिश की है, वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। बट यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, बट ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है। तो अभी आप एक लाइव एग्जांपल देख चुके हैं कि SBI ने अपनी APS निकासी को शुरू कर दिया है। जैसे कि आपने देखा कि रॉयनेट पोर्टल के माध्यम से एक निकासी की है, वो सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन अभी भी SBI के सर्वर में कुछ इश्यूज बने हुए हैं, क्योंकि यहां पर अभी 90% ट्रांजेक्शन ही सक्सेस हो रहे हैं, 10% अभी भी ग्राहकों के पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या और आ रही है ट्रांजेक्शन करने पर। ट्रांजेक्शन सक्सेस तो हो पा रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन सक्सेस होने के बाद, यानी कि जो भी अमाउंट आप विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल होने के बाद कस्टमर का रिमेनिंग बैलेंस अभी भी शो नहीं हो रहा है। तो ये भी एक SBI के सर्वर में एक छोटा सा इशू है, क्योंकि जब आप किसी भी ग्राहक का बैलेंस को विड्रॉल करते हैं, तो ग्राहक वहां पर अपना बकाया बैलेंस पूछता है, जो कि अभी आप नहीं बता पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से SBI ने इन 15 दिन के अंदर अपने सर्विसेज को सुधारा है और SBI APS को लाइव किया है, तो धीरे धीरे ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। जब आप विड्रॉल किया करेंगे तो उनका, कस्टमर का बकाया बैलेंस भी आपको दिखाई देगा। हो सकता है इसमें थोड़ा और वक्त लग जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि अब आपकी ये टेंशन खत्म हो चुकी है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो BOB ने अभी तक अपने सर्वर को ठीक नहीं किया है। यहां पर एक बड़ा थैंक्स आपको देना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन 15 दिन के अंदर अंदर अपने सर्वर में सुधार किया और APS को इनेबल कर दिया। अब किसी भी APS संचालक को कोई भी समस्या आई थिंक नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो अपडेट दी है, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।